तो फाइनली बहुत सारे लोगों को जिस अपडेट का इंतजार था वो अपडेट आ चुका है, उसका नाम है पिन पोस्ट। अब आपको यहाँ पे जान के आपको लगेगा कि पिन पोस्ट क्या है। जैसे व्हाट्सएप में आपने देखा होगा कि आप व्हाट्सएप पे चैट को पिन कर सकते हो तो वो सबसे ऊपर आ जाती है, तो कहीं ना कहीं व्हाट्सएप का जो अपडेट था वो इंस्टाग्राम में आ चुका है। अब आप पिन को कैसे पोस्ट कर सकते, मतलब पोस्ट को कैसे पिन कर सकते हो, हाईलाइट्स को कैसे पिन कर सकते हो, उसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, और कौन सी पोस्ट को आपको पिन करना चाहिए, कौन सी पोस्ट को पिन नहीं करना चाहिए, सबके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। छोटी सी वीडियो है, 4-5 मिनट में आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। तो बिना टाइम का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन चैनल पर अगर पहली बार आए हो या नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आने वाली वीडियोस की फर्दर नोटिफिकेशन आपके मोबाइल और पीसी से मिस ना हो पाए। तो पिन पोस्ट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपने 10 पोस्ट करके रखी है, 10 में से आपकी एक जो पोस्ट है, सारी 10 पोस्ट पे आपके 100 लाइक आते हैं लेकिन एक पोस्ट आपकी वायरल है। वायरल मतलब ये नहीं उस पर 1 मिलियन लाइक आ गए। अगर आपके डेली 100 लाइक आते हैं तो 120, 130 या 150 लाइक भी आते हैं तो आप मान सकते हो कि आपके अकाउंट की वो वायरल पोस्ट है। तो उस पोस्ट को आप पिन कैसे कर सकते हो? अब आप बोलोगे कि मैं 3 डॉट पे क्लिक करूंगा तो मेरे में तो पिन पोस्ट वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो मेरे भाई आपको एक बार इंस्टाग्राम को अपडेट कर लेना है। अपडेट आप नहीं करो तो यहाँ पे आपको मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, ट्विटर पे बहुत सारे लोगों के पास ये पिन पोस्ट आ चुका है। हाईलाइट्स को भी आप पिन कर सकते हो, मैं आगे बताऊंगा इसका फायदा क्या है। अब देखिए, मान लीजिए आपने 10 पोस्ट की हुई है, एक पोस्ट पे आपके सबके 100 लाइक है, उस पोस्ट पे आपके 150 लाइक आए हैं। तो अब मान लीजिए कोई भी ऑडियंस आती है तो उसको तो पता नहीं चलेगा ना कि कौन सी फोटो पे 150 लाइक है, कौन सी फोटो पे 100 लाइक है। तो 150 वाली मतलब कहीं ना कहीं ऑडियंस 50 ऑडियंस को ज़्यादा अच्छी लगी है, तो जो नई ऑडियंस आएगी कहीं ना कहीं उनको भी वो चीज़ अच्छी लगेगी। तो आपको क्या करना है, जो वो पिन जो आपकी पोस्ट है जिस पर सबसे ज़्यादा लाइक है, 3 डॉट पर क्लिक करना है, पिन वाला ऑप्शन आ जाएगा, पिन पर कर दोगे तो सबसे ऊपर आपकी वो पोस्ट होगी। तो मान लीजिए कोई भी न्यू यूज़र आपके अकाउंट पर आता है, तो मान लीजिए आपने कहीं कमेंट किया हो, कहीं पर स्टोरी डाली हो, किसी को मेंशन किया हो, कहीं से भी नया बंदा आता है या आपका फॉलोवर भी है या आपका फॉलोइंग वाला जो भी बंदा आता है वहाँ पर, तो आपकी प्रोफाइल में अगर आता है और आपकी वो ऊपर वाली पोस्ट को देखता है तो वो देखेगा कि ये तो सबसे अच्छे लाइक इसमें आए हुए हैं, और कहीं ना कहीं वो भी उसको अगर लाइक कर दे फर्स्ट पोस्ट को तो आपकी पिन की हुई पोस्ट आपकी और वायरल होने लग जाएगी। तो इससे बहुत सारे फायदे हैं, आपकी जो अच्छी पोस्ट आप लोगों को दिखा सकते हो। होता है कि आपकी 10 पोस्ट की तो एक पोस्ट आपकी अच्छी पोस्ट होती है, उसको आप आगे दिखा सकते हो। हाईलाइट को भी आप अगर पिन कर दोगे तो जो हाईलाइट वाला ऑप्शन होता है वो सबसे आगे वो उसकी हाईलाइट आ जाएगी। अगर आप और भी न्यू ऐड करोगे तो वो उसके बाद में आएगी। तो इसके बहुत सारे एडवांटेज है, डिसएडवांटेज तो मेरे को कोई नहीं लगता है कि इसका कोई डिसएडवांटेज है। अगर आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। बाकी जो एडवांटेज थे वो मैंने आपको बता दिया, जब भी आपके पास ये आता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर नहीं आ रहा है तो इंस्टाग्राम को अपडेट कर लो, उससे भी नहीं आ रहा तो एक बार फोन को अपडेट कर लो। कई बार क्या होता है कि फोन अपडेट नहीं होता है ना, तो इंस्टाग्राम अपडेट डाल भी देता है तो आपके फोन के वो मैच नहीं कर पाता उस अपडेट को और वो नहीं आ पाता है। तो आपको क्या करना, फोन को भी अपडेट कर लेना, इंस्टाग्राम को भी कर लेना, और जब कभी मेरे फोन में भी अभी नहीं आया आ जाएगा तो मैं आपको वहाँ पर कम्युनिटी पोस्ट में या स्टोरीज में बता दूंगा और आपको इसके क्या क्या फायदे लगते हैं, और कोई भी नया अपडेट आता है तो मैं आपको बता दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल पर पहली बार आए हो या नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आने वाली वीडियोज़ की फर्दर नोटिफिकेशन आपके मोबाइल और पीसी से मिस ना हो पाए।